अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाले कुछ औजारों के नाम, यानी टूल्स नेम इन अरबिक। दोस्तों फर्नीचर में क्या क्या इस्तेमाल होता है, कौन कौन से औजार इस्तेमाल होते हैं, आज मैं वही बताऊंगा इस वीडियो में। मेरे दोस्त की किसी की एक रिक्वेस्ट थी कि सर मुझे फर्नीचर काम करता हूँ उससे रिलेटेड कुछ औजारों के नाम मुझे बता दिए जाएँ। तो आज जितने भी दोस्तों उसमें यूज़ होते हैं फर्नीचर के काम में, जितने भी औजार इस्तेमाल होते हैं यूज़ होते हैं, आज मैं सभी बता दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच करें। दोस्तों ये फर्नीचर वाले के लिए ना बल्कि जितने भी हमारे दोस्तों फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, सबके लिए दोस्तों लाजमी ये मालूम होना चाहिए कि किस किस औजार को किस किस की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा किसी ना किसी की हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है, तो हमें किस तरीके से बोलना है अरबी में वो आज बताऊंगा मैं इस वीडियो में। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि हथौड़ी यहाँ पर है दोस्तों, हैमर, तो हैमर यानी हथौड़ी को उसे बोलते हैं सकूश। सकूश बोलते हैं दोस्तों हथौड़ी को, ठीक है, सकूश सकूश हथौड़ी। छेनी जो होती है दोस्तों, चीजल, चीजल यानी छेनी, तो इसे बोलते हैं जमील। इस जमील करके बोलते हैं, लेकिन आ नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ, जमील करके बोलते हो जमील, ठीक है। इस जमील होता है वैसे, इस जमील नहीं बोल पाते हो तो इस जमील बोलते हो, ठीक है, तो खाली जमील बोल सकते हो। जा करके आवाज़ निकालना है, ना कि जा करके, जमील लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जमील जो होता है वो साथ में जो हमारे पढ़ाते हैं लोग, सहपाठी जो बोलते हैं उसे बोलते हैं जमील, ठीक है। जैसे कि मैं टीचर हूँ, मेरे साथ में कोई पढ़ाता है तो वो मेरा जमील जमील है, ठीक है, जमील बोलते हैं उसे, जमील। तो जा करके आवाज़ निकालना है, जमील, जमील का मतलब होता है छेनी। ब्लेड को दोस्तों सिक्किन बोल सकते हो, वैसे सिक्किन छुरी को बोलते हैं लेकिन ब्लेड को भी सिक्किन का इस्तेमाल कर देते हैं ये लोग। आरी जो होती है दोस्तों, आरी ये कि आप देख सकते हैं हैक्सा, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिनसार। मिनसार, मिनसार का मतलब होता है आरी। स्केल जो होता है दोस्तों, आप देखते होंगे स्केल में जो नंबर होते हैं उसमें जो हमारा सेंटी और सेंटी जो इंच का जो नाप होता है उसे बोलते हैं मिश्तरा। मिश्तरा और मिस्त बोलते हैं कंघे को, जो आप भी ध्यान रहे, तो कंघे की तरह ही वो लगता है दोस्तों, जो हमारा पैमाना होता है स्केल होता है वो कंघे की तरह लगता है। इधर भी ऐसे किस तरीके से होता है, लाइनें कड़ी होती है उससे भी उड़ते लगता है कंघा, तो मिस्त बोलते हैं कंघे को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिश्तरा बोलते हैं स्केल को, मिश्तरा बोलते हैं स्केल को। पेंसिल को दोस्तों बोल सकते हो गलम, गलम कलम होता है वैसे, लेकिन काफ को गाफ करके बोलते हैं इसलिए गलम बोलोगे। गलम पेन को भी बोलते हैं, पेंसिल को भी गलम बोल सकते हो। और जो कील होती है दोस्तों, कील को दोस्तों बोल सकते हो मिसमार। मिसमार बोलते हैं कील को, ठीक है, मिसमार। लकड़ी को दोस्तों बोल सकते हो खशब, खशब लकड़ी को बोल सकते हो खशब। इस वाली लकड़ी को बोलोगे खशब, ये दिख रही है, और इस तरीके से जो लकड़ी का पटला दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है लकड़ी का, इसे बोलते हैं दोस्तों लौहा, 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 ठीक है, लौहा बोलोगे। पटले का जो लकड़ी का बोर्ड होता है उसे बोलते हैं लौहा, ठीक है, जो इस्तेमाल होते हैं बेंच वगैरह बनाते हैं हम, या फिर कोई डबल बेड बेस यानी फर्नीचर के जितना जो बोर्ड लगते हैं प्लाई बोर्ड, तो उसे बोलते हैं लौहा, लौहा, ठीक है। रिंच, रिंच को दोस्तों बोलते हैं मुफ्ताह, मुफ्ताह। वैसे मुफ्ताह का मतलब जो होता है वो चाबी में आता है, तो दोस्तों ये भी चाबी होती है एक तरह की खोलने की, इसलिए मुफ्ताह बोलते हैं इसको। पेचकस को दोस्तों बोल सकते हो स्क्रूब, स्क्रूब, स्क्रूब भी बोल सकते हो, लेकिन स्क्रू ड्राइवर जैसे होता है ना इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर, इसलिए स्क्रू बोलते हैं ये लोग, लेकिन असली नाम अरबी का इसका होता है मफक, ठीक है, मफक। और मफक ये लोग बोलते भी हैं, स्क्रू ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं लेकिन मफक भी बोलते हैं। मीटर को दोस्तों बोलोगे मीतोर, मीतोर यानी मीटर। कैंची को दोस्तों बोलते हैं मिगस यानी सेज़र, ये सेज़र है हमारी कैंची, ऐसे बोलते हैं मिगस, मिगस, मिगस का मतलब होता है कैंची। छुरी को दोस्तों बोलते हैं सिक्कीन, सिक्कीन। बोर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं प्लाई बोर्ड है, इसे बोलते हैं लौहा, लौहा, ऐसे बोलना है की आवाज़ निकालना है लौहा, लौहा, ठीक है। बोल्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं मिसमारल बिरगी, मिसमारल बिरगी। मिसमार जैसे दोस्तों कील को बोलते हैं, लेकिन ये कील की तरह लगता है देखने में, इसलिए बोलते हैं इसे मिसमार अल बिरगी, बिरगी, ठीक है, मिसमार अल बिरगी। बुरिश जैसा कि आप देख सकते हैं बुरिश है ये, तो बुरिश को दोस्तों बोल सकते हो फर्राशा, फर्राशा, फर्राशा। जंजीर, चेन, दोस्तों ऐसे बोल सकते हो सलसला, सलसला।
सलसला यानी जंजीर। कब्ज़े, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो विंडो खिड़की वगैरह होती हैं, गेट वगैरह होते हैं, उस पर लगता है ये, इससे बोलते हैं मिफसला 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 मिफसला। हुक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हुक है, तो इससे बोलते हैं अलखत्ताफ 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 यानी हुक। नट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं नट है दोस्तों, इसे बोलते हैं समूला समूला समूला। रंदा, ये देख सकते हैं आप, लकड़ी को चिकना करने के लिए इसे रंदा जाता है, इसलिए इसे रंदा बोलते हैं। आप देखता होगा कि जो जो बड़े वगैरह काम फर्नीचर काम करते हैं, उससे जो रंदे से लकड़ी को एकदम स्मूथ कर देते हैं, इसके घिस घिस के उसको, तो इससे बोलते हैं अल मगशता अल मगशता अल मगशता अल मगशता मगशता। नोज़ प्लायर, इसे बोलते हैं कमाशा कमाशा जरदिया कमाशा। जरदिया बोलते हैं प्लास को, ठीक है, मैंने यहाँ प्लास को नहीं लिखा, ये प्लास होता है हमारा, उसे बोलते हैं जरदिया, ठीक है, प्लास को बोलते हैं जरदिया। और इस तरीके से जो नोज़ होती है, इसकी नोज़ जो नोज़ होती है लंबी सी, इसे बोलते हैं कमाशा। और कमाशा जो होता है चिमटे को बोलते हैं, जो हमारा चिमटा होता है रोटी वगैरह हम पकाते हैं चूल्हे पर, तो जो हमारे हाथ में चिमटा होता है उसे भी कमाशा बोलते हैं, ठीक है, और इसको भी जरदिया अल कमाशा बोल सकते हो। स्क्रू, स्क्रू को दोस्तों बोलते हैं लवलब लवलब, या बोल सकते हो मिसमार, या बोल सकते हो स्क्रू, स्क्रू भी बोलते हैं इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर देते हैं ये लोग, स्क्रू या लवलब या मिसमार, ठीक है, दोनों सब में से एक बोल सकते हो। स्टैंड बाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में दोस्तों, इसमें जो होता है हम किसी चीज़ को रख के कसते हैं, टाइट करते हैं, उससे रोकते हैं, जैसा कि हम कभी पंखे का बाइंडिंग बनाते हैं, तो इससे इसमें हम फांस के बना देते हैं दोस्तों, उसका जो तांबा भरते हैं पंखा बनाते टाइम, तो इससे फांस लेते हैं, ये बाइस कहलाता है इसे इंग्लिश में दोस्तों, स्टैंड। तो इससे बोल सकते हो मिलजमा 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 मिलजमा, यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं वाइस को मिलजमा बोलते हैं, ठीक है, थीके? और देख सकते हैं ये पिन, ये पिन है दोस्तों, इसे बोलोगे दबूस 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 यानी पिन। लेबल मीज़ान, आप ये देख सकते हैं पानी का जो बीच में जो एक गोला सा होता है उसका मीज़ान नापते हैं, तो वाटर लेवल कहते हैं इसको, तो इसे बोलेंगे मीज़ान लेवल को बोलोगे मीज़ानल तस्बीह मीज़ानल तस्बीह मीज़ानल तस्बीह मीज़ानल तस्बीह। और दोस्तों ये कील, तो कील को दोस्तों बोलते हैं मिसमार मिसमार मिसमार। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे हर रोज़ इस्तेमाल होने वाले कुछ टूल्स कुछ औजारों के नाम। तो आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए खुदा हाफिज़ बाय बाय।